स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय हिमसर। स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल में कॉम्पिटिटिव और एजुकेशन दोनों टाइप के वीडियो लगातार बना रहे हैं। और जो आज का मेरा वीडियो है, ये एजुकेशनल वीडियो है। ये आज का वीडियो हमारा है क्लास टेंथ का वास्तविक संख्याओं पर आधारित है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो अक्सर सीबीएसई या उनका अपने बोर्ड के बच्चों के हमारे आता है कि वर्णमेय घोषित करना, अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे, ये हम चीज सीखेंगे आज। तो देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे करके देखिए इसको। देखिए, इसको नया तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम इसका रिवर्स ले सकेंगे। हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम ये मानते चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए स्टूडेंट, अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की क्या कंडीशन होती है? परिमेय संख्या को हम p और q के अनुपात में लिख सकते हैं, जिसमें p और q जो होता है वो सहभाज्य संख्या होती है। देखिए, इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको कि अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q। जहां P व Q धन पूर्णांक व सहभाज्य है। एम Q नॉट इक्वल टू जी। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम दो धन पूर्णांकों के अनुपात में लिख सकें और उन धन पूर्णांकों में कोई भी चीज कॉमन ना हो, यानी सहभाजी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो हर क्वेश्चन की आपको स्टार्टिंग ऐसी करनी है। तो देखिए, अब क्या करेंगे, देखिए उसके बाद आप क्या करें, आपके समीकरण नंबर 1 वाली है इसको आप दोनों पक्षों में इसका वर्ग कर दीजिए। समीकरण 1 को वर्ग में, वर्गमूल 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग अपॉन q का वर्ग। देखिए, वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे अगर तो क्या आएगा, देखिए 5 आएगा। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब आप देखिए, देखिए q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 5 है, इसका मतलब 5q स्क्वायर का एक गुणनखंड p होगा, और चूंकि यह वैल्यू p स्क्वायर की है तो p का भी एक गुणनखंड 5 होगा। P का एक गुणनखंड 5 हो। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम एक काम करते हैं। देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस P की जगह पर एक नया धन पूर्णांक लेते हैं। तो देखिए, P जो है, P का एक गुणनखंड 5 आ रहा है, यानी कि इसका हम जो एक वैल्यू लेंगे धन पूर्णांक वैल्यू, वो 5 का गुणांक ले सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इस P की जगह पर एक नई वैल्यू लेते हैं, R लेते हैं। P बराबर 5 बार रखेंगे। तो देखिए, 5 बार रखेंगे, 5 बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। देखिए, हो गया 25 आर स्क्वायर
इक्वल टू 5q2। देखिए 5 से ये 25 कट गया 5 बार। तो देखिए हम कह सकते हैं कि q2 बराबर 5r2। देखिए सेम क्वेश्चन यहां भी देखिए, देखिए q2 की वैल्यू 5r2 है, ये कंफर्म हो गया कि q2 में 5 का भागा तो जाएगा जाएगा, और q2 अगर है तो इसका मतलब q भी होगा। देखिए क्योंकि q2 पांच से भाज्य है, इसलिए क्यू का a गुणनखंड 5 होगा। अब देखिए ये एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, कैसे? देखिए हमने p और q को सहभाज्य माना है परिवेश संज्ञा की डेफिनेशन में, लेकिन जब देखिए सॉल्व करने पे क्या पता चल रहा है, देखिए कि p का भी एक गुणनखंड 5 आ गया और q का भी एक गुणनखंड 5 आ गया, तो ये तो विरोधाभास हो गया कि एक ओर तो हम कह रहे हैं कि संख्याएं अभाज्य सहभाज्य होनी चाहिए और दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि जो जो संख्याएं हैं तुम्हारी जो है उनका कोई एक द्विनिश्चित गुणनखंड होगा, और हम कह सकते हैं अर्थात पी वो क्यू का एक द्विनिश्चित गुणनखंड 5 होगा। अब ये हमारी दोनों बातें क्या हो रही, देखिए दोनों बात हो गई, देखिए पहले तो हम कह रहे हैं कि सहभाज्य है और अब हम लिख रहे हैं कि दोनों का घनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा, तो ये कंट्रोवर्सी क्यों पैदा हो रही है? तो इस कंट्रोवर्सी के पैदा होने का कारण है मेन चीज क्या है कि जो हमने शुरू में सोचा वो गलत सोचा है, हमने शुरू से कहा है कि वर्गमूल 5 ही परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या थी नहीं, हम तो अपने मन से मान लियो, इसी कारण ऐसा हो गया। तो हमारी कल्पना कल्पना गलत थी, अतो वर्गमूल 5 एक वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट इस टाइप का एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो देखिए ये समझ लिए आपका ये सॉफ्टवेयर रिसर्च समझ लिए, आपको केवल से फिट करना है, जो भी नंबर आएगा आपको इसी हिसाब चेंज करना है। अब देखिए मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन एग्जाम में वर्गमूल 5 नहीं आता है, वर्गमूल 3 आ जाता है, वर्गमूल 2 आ जाता है, या वर्गमूल 7 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए सेम प्रोसेस होगा। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे एजुकेशनल और कम्पिटेटिव मैथ्स के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, देखिए मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ कि सिद्ध करो कि वर्गमूल 5 की जगह पर मैं लिख देता हूँ वर्गमूल 3। तो आप क्या करेंगे, जहां जहां खेल खेल रहा है वहां वहां आप थी रख देंगे। देखिए यहां भी हमने माना वर्गमूल 3 है परिमेय संख्या है, तो यहां भी 3 आ जाएगा। देखिए वर्गमूल 3 बराबर p अपॉन q, जहां सेम ऐसे आ जाएगा। देखिए अब देखिए समीकरण 1 को ओवर कर रहे हैं, इसको भी कर दीजिए आप 5 की ओर में लिख दिया, देखिए 3, तो देखिए यहां पर आ जाएगा 3। देखिए जहां 5 था वहां पर 3 लिख दीजिए, तो पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, और पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है अगर, तो p का एक गुणनखंड 3 होगा, तो p की ऊपर क्या रखोगे आप 5 के ऊपर रखोगे 3 आएगा। क्यों रखोगे? क्योंकि देखिए p जो है p का एक फैक्टर 3 है, यानी कि p की वैल्यू 3 के गुणांक के रूप में हो सकती है, इसलिए हम p की वैल्यू 3 आ गए। आप आगे बदले कोई और वर्ड भी ले सकते हो।
आप देखिए तो इसको वैक्यूम करेंगे हम जब, देखिए तो यहाँ 3 आ गया, तो देखिए 3 का जो स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, तो आप देखिए 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 r स्क्वायर, तो देखिए q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो q का ये गुणनखंड 3 होगा, अर्थात p और q का एक घनिष्ठ गुणनखंड 3 होगा। अतः हमारी कल्पना गलत थी, क्योंकि गलत क्यों हो रही है, क्योंकि परिमेय संख्या ये कहती है कि सहभाज्य संख्या होनी चाहिए और हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक घनिष्ठ गुणनखंड आ जा रहा है, पहले 5 आया था अब 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वर्गमूल 3 है परिमेय संख्या होगी। इस तरीके से आपको अगर वर्गमूल 2 निकालना है या वर्गमूल 7 निकालना है तो आप कर सकते हैं। तो देखिए अब जनरली कभी कभी क्या होता है, देखिए कि एग्जाम में ये तो प्योरली अपरिमेय संख्या है, कभी कभी संख्या मिक्स आ जाती है जैसे 2+√3 या 4√3, तो ऐसी संख्याओं को करने का तरीका लगभग ऐसे होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, उसको आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको हमारा ये चैनल, अगर आपका क्या नाम कहते हैं, ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर इसे शेयर कीजिए, जिससे क्या, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है उससे, और क्या हमें भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।